हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ऑफिसर्स में वर्क करते हैं या फर्स्ट टाइम ऑफिसर्स जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप फाइल किस तरीके से देख सकते हैं एंड उसको मेंटेन कर सकते हैं या उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में भी इंडेक्स फाइल है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फाइल्स होती हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए काम आती है। लाइक कोबरा फाइल में आप सिंपल, जब अगर आपके पास कम डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं। इंडेक्स फाइल का यूज़ मेजरली हमारे पास जब ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं तब हम करते हैं। तो आप देख रहे होंगे मेरे पास अभी एक इंडेक्स फोल्डर है, इसके ऊपर मैंने इनवॉइसेस लिखा हुआ है, कमीशन इनवॉइसेस जो कि पर्टिकुलर ईयर का है, जिसमें मैंने ऊपर ईयर का 2021 भी डाल दिया है। इसके बाद इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं, हमारे बिल्स जो हैं कैसे अरेंज किए जाते हैं, हमारे बिल्स इसके अंदर सिक्वेंस वाइज होते हैं। लाइक जो भी लेटेस्ट मंथ है वो सबसे ऊपर रहेगा, देन उसके बाद बैक मंथ, देन बैक मंथ, फिर देन बैक मंथ। लाइक अगर हम 2021 की फाइल्स अरेंज कर रहे हैं तो सबसे नीचे जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो हमारा लगेगा अप्रैल का 20 का, देन उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरीके से ये ऊपर आता जाएगा एंड ऊपर लेटेस्ट लगता जाएगा। लाइक अगर आपने कोई अभी इनवॉइस रिसीव किया वो भी करंट मंथ का, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी फाइल को अरेंज करते हैं। या आप किसी कंपनी में गए हैं जहाँ पर आपको किसी को बताना है कि फाइल किस तरीके से अरेंज करी जाती है, या आप कभी ऑफिस नहीं गए हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि अगर आप ऑफिस को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये पता हो कि फाइलिंग कैसे की जाती है, और किसी भी फाइल को अगर आपको चेक करना है तो उसमें भी ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी तरीके की अकाउंटेंट से रिलेटेड या आपको बैंक से रिलेटेड सारी वीडियोस या ऑफिस में किस तरीके से काम किए जाते हैं उन सबसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।